गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा विषय है समास। ये आपका चैप्टर 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं और उसके उदाहरण। संधि की तरह ही समास जो है वो भी संक्षिप्त रूप देकर जो है शब्दों को संक्षिप्त रूप देकर योगी शब्द बनाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले नए शब्द को जो प्रक्रिया होती है उसको समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो राजा का कुमार इसमें जो का है उसका लोप हो जाएगा और उसका दोनों शब्दों को जोड़ के उसको बनेंगे राजकुमार। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, इसमें कोई भी जो है विभक्ति का वो नहीं है तो सिंपल इसको जोड़ देंगे पी अंबर। आपको पता होगा हमने संधि में पढ़ा था कि लास्ट पहले शब्द के लास्ट वर्ण को और दूसरे शब्द के आगे के वर्ण को हम जोड़ते हैं संधि में, और यहाँ पे हम समास में भी वही प्रक्रिया होती है। जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको समस्त पद या समासिक शब्द कहा जाता है। इसमें जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, यानी लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, फिर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में जो है स्वयं जो है एक द्विगु समास का उदाहरण है। लोप हो जाता है।
लोप हो गया है। फिर रसोई घर, रसोई घर ये तत्सम समस्त पद है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर, जो के लिए क्या है, ये कारक चिन्ह है, पर्सन है, तो इसका जो लोप हो गया जब हम इसको समास किया, उसको जोड़ा, तो क्या हो गया, उसका लोप हो गया। फिर गंगा नदी, लोकप्रिय, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पंचतंत्र और नवरत्न
फिर नवरात्रों का समूह या समापन, तो नवरात्र। फिर तिरंगा, तीन रंगों का समूह। श्याम का मतलब होता है काला, यानी बादल के समान काला।
ये भी जाना कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि जो है वर्णों के जो मेल से बनता है और समास शब्दों के मेल से बनता है। संधि को हम जो है वर्ण विच्छेद करते हैं, समास का जो है विग्रह किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। इसको आप विस्तार से अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। ओके, नमस्कार।